नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय हो अकेडमी चैनल में। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित यह हमारी सातवीं क्लास है। इसके पहले हमारे चैनल पर 6 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल में जाके उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित हमारी यह क्लासेस मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में, जो आने वाली परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश की, चाहे वह MPPSC प्री 2019 हो, MPSI हो या MP पुलिस हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह हमारी सीरीज आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसलिए अगर आपने हमारे वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं कि अगर आप हमारे सभी वीडियो के PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस का वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर पर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके प्रमुख वन लाइनर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित। तो पहला है, मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? तो मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 में रिकॉर्ड 74.6% या लगभग 75% वोटिंग हुई है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग हुई है आम चुनाव 2018 में। आपको याद होना चाहिए कि इस बार 74.6% या लगभग 75% वोटिंग हुई है, और विधानसभा आम चुनाव 2013 में वोटिंग हुई थी 72.18%। तो आपको पता होना चाहिए कि आम चुनाव 2018 में वोटिंग हुई है 74.6% या लगभग 75%, और 2013 में वोटिंग हुई थी 72.18%। दूसरा है, मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 के समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कौन थे? तो इनका नाम था श्री कमलनाथ जी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 के समय और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं श्री कमलनाथ जी। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम है राकेश सिंह जी। तो राकेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और श्री कमलनाथ जी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया। कुसमरिया जी मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने पर चर्चित रहे। इनको आम चुनाव 2018 में भाजपा पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया, इसलिए इन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और इनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। और यह दमोह विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हुए। दमोह आपको याद रखना है कि दमोह से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया था। अगला है, VVPAT मशीन का फुल फॉर्म क्या है? तो VVPAT मशीन का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आपको बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि यह मशीन मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 में काफ़ी फेमस रही है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इस मशीन के द्वारा आप जिस प्रत्याशी को वोट देते थे उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह आपको इसमें 7 सेकंड के लिए दिखाई देता था। तो VVPAT मशीन में आप जिसको वोट देते थे उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देता था। यह अपने वोट की जांच करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक सफल प्रयोग था, जो कि काफ़ी सफल भी रहा। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है जहां हर घर का ई एड्रेस होगा? तो आपको बता दूं कि भोपाल मध्य प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जहां हर घर का ई एड्रेस होगा।
हर घर के बाहर कॉपर प्लेट लगेगी जिसमें QR कोड होगा, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि आपसे आगामी मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है जहां हर घर का ई एड्रेस होगा, तो वो आपका आंसर होगा भोपाल। अगला है मीसा बंदियों को, आपको पता होना चाहिए कि मीसा बंदियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि आपातकाल के समय मीसा कानून के तहत जेल में बंद हुए लोगों को कहा जाता था मीसा बंदी, तो मीसा बंदियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी विकास खंड घोषित किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में 50 आकांक्षी विकास खंड घोषित किए गए हैं, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको बता दूं कि नीति आयोग द्वारा देश में 115 आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं जो विशिष्ट विकास मानकों में पिछड़े हुए हैं। आकांक्षी जिले वह हैं जो विशिष्ट विकास मानकों में पिछड़े हुए हैं, तो नीति आयोग द्वारा देश में 115 आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं और मध्य प्रदेश ने 50 आकांक्षी विकास खंड घोषित किए हैं, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इन आकांक्षी जिलों में 2022 तक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, यह नीति आयोग का लक्ष्य है। तो आकांक्षी जिलों में 2022 तक सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आपको बता दूं कि 115 जिलों में नीति आयोग द्वारा चयनित 115 आकांक्षी जिलों में 8 जिले मध्य प्रदेश से शामिल हैं और यह जो मध्य प्रदेश से शामिल जिले हैं उनके नाम हैं सिंगरौली, बड़वानी, गुना, विदिशा, खंडवा, छतरपुर, दमोह और राजगढ़। आपसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा चयनित 115 आकांक्षी जिलों में कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से शामिल हैं, तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इन 8 जिलों के नाम पता होना चाहिए। तो इन 8 जिलों के नाम हैं सिंगरौली, बड़वानी, गुना, विदिशा, खंडवा, छतरपुर, दमोह और राजगढ़। तो अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं को 17 रुपये प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण के लिए कि गौशालाओं को 17 रुपये प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 17 रुपये प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा गौशालाओं को गौ संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है मध्य प्रदेश में आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना 18 जून 2018 को शुरू की गई, आपको याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश में आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना 18 जून 2018 को शुरू की गई। इस योजना में 50 मेधावी छात्रों को दिल्ली और 50 मेधावी छात्रों को भोपाल में UPSC, PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दिलवाई जाएगी, काफ़ी अच्छी योजना है विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना, जिसमें 50 मेधावी छात्रों को दिल्ली और 50 मेधावी छात्रों को भोपाल में UPSC, PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दिलवाई जाएगी। तो आपको याद कर लेना है कि इस योजना का शुभारंभ हुआ था 18 जून 2018 को। अगला है मध्य प्रदेश के निवासी 105 साल के किस बुजुर्ग मतदाता को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो मध्य प्रदेश के कृष्णदास वैष्णव को, जो 105 साल के बुजुर्ग मतदाता थे कृष्णदास वैष्णव, इनको चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आइकन घोषित किया गया था दिव्यांका त्रिपाठी और माही सोनी जो कि एक कलाकार हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था 105 साल के बुजुर्ग मतदाता कृष्णदास वैष्णव। अगला है स्वच्छ भारत अभियान के तहत इकट्ठे किए गए गीले कचरे का उपयोग करने में देश का नंबर वन शहर कौन सा रहा, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इकट्ठे किए गए गीले कचरे का उपयोग करने में देश का नंबर वन शहर रहा है सारणी,
जो कि बैतूल जिले में स्थित है। तो आपको याद रख लेना है कि सारणी जो कि बैतूल जिले में स्थित एक शहर है, यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत इकट्ठे किए गए गीले कचरे का उपयोग करने में देश का नंबर वन शहर बन चुका है, क्योंकि इस शहर में गीले कचरे से काफ़ी कंपोस्ट खाद बनाया गया, जैविक खाद बनाया गया, जो कि देश में सबसे अधिक बनाया गया। अगला है, देश का पहला ऐसा राज्य जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है, और इसी कचरा कलेक्शन के तहत ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 व 2018 में प्रथम व द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश के शहर रहे हैं। पहले स्थान पर रहा है इंदौर और दूसरे स्थान पर रहा है भोपाल। तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अगला है, राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 2018 में टेकनपुर ग्वालियर में किया गया। टेकनपुर जो कि ग्वालियर में स्थित है, वहाँ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2018 में टेकनपुर ग्वालियर में, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला है, रीवा जिले में बनने वाले सौर पार्क के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ऋण प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सौर पार्क बनाया जा रहा है रीवा जिले में, और इसके लिए जो ऋण प्रदान किया गया है उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको हम कहते हैं IFC। तो IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि विश्व बैंक की एक संस्था है, इसने रीवा जिले में बनने वाले सौर पार्क के लिए ऋण प्रदान किया है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला है, भोपाल रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जहां महिला यात्रियों के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस मशीन का नाम है हैप्पी नारी। तो हैप्पी नारी नाम से एक सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर वेंडिंग मशीन लगाई गई है भोपाल रेलवे स्टेशन पर, और यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर यह मशीन लगाई गई है महिला यात्रियों के लिए। तो आपको इस मशीन का नाम याद रख लेना है, हैप्पी नारी। अगला है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को पढ़े भारत कार्यक्रम के लिए विश्व बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को पढ़े भोपाल कार्यक्रम, आपको इस कार्यक्रम का नाम होना चाहिए पढ़े भोपाल कार्यक्रम के लिए, विश्व बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको बिल्कुल याद रख लेना है। अगला है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति समारोह होशंगाबाद जिले में आयोजित किया गया है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति समारोह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आयोजित किया गया है, और यह आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला है, मध्य प्रदेश की किस बिजली कंपनी को प्रदेश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी को प्रदेश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आपको इस कंपनी का नाम रखना याद रखना है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल, इस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग आसान बनाने के लिए कौन सा वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो मध्य प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग आसान बनाने के लिए सुगम वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि सुगम वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप
मध्य प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है, आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला और लास्ट है आज का, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ द्वारा 3 न्यायाधीशों शैलेंद्र शुक्ला, राजू श्रीवास्तव और VVS चौहान की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हाल ही में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या हो गई है 35, जबकि आपको बता दूं कि कुल स्वीकृत पद हैं 53, यानी अभी भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 18 पद खाली हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में यहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है 35, जबकि कुल स्वीकृत पद हैं 53, यानी अभी भी 18 न्यायाधीश के पद खाली हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। तो इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2018 से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण बनने पर बात की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों में जो मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसके अलावा जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस जल्दी प्राप्त हो सकें। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2018 से संबंधित हमारे चैनल पर और भी क्लासेस आएंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ नई अगली क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।